This करें, conference इम्पोर्टेंट will फैक्टर्स now का be मतलब है recorded. कि व्हेन वी क्रिएट एनी सर्वर इन अ क्लाउड, अगर हम कोई भी सर्वर अपने क्लाउड पर बनाते हैं, या आइदर वी हैव क्रिएट एनी रिसोर्स, तो व्हेन यू क्रिएट अ सर्वर, और सर्वर का मतलब है मशीन्स, लाइक जैसे आपका फिजिकल लैपटॉप है उसी तरीके से सर्वर है, और हर मशीन पे यू कैन इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर पर्टिकुलर सर्वर पे हम अपना इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी विंडोज हो सकता है, एंड मे बी इट्स अवेलेबल लिनक्स। तो नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि हमारी कंपनी को सर्वर, सो विंडोज वाले प्लेटफॉर्म पे हम ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे आई एम एक्सप्लेन यू सम थिंग्स फॉर लिनक्स। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर इन अ क्लाउड, दस सम इम्पोर्टेंट की फैक्टर इज, पॉइंट नंबर वन इज सिलेक्ट रीजन, सिलेक्ट रीजन, सिलेक्ट रीजन का मतलब है गाइस लाइक योर लोकेशन ऑफ सर्वर, लोकेशन ऑफ सर्वर कि आप किस लोकेशन पे अपने सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं, लाइक सेम एज कि गाइस आप लोगों को अपना घर बनाना है तो घर के लिए भी आप क्या करोगे, इंडिया में लोकेशन सिलेक्ट करोगे। द सेम एज कि अगर आपको कोई सर्वर डिप्लॉय करना है क्लाउड पे, तो आप डिसाइड करेंगे कि यू कैन डिप्लॉय दिस सर्वर इन इंडिया डेटा सेंटर, और आइदर यूएस डेटा सेंटर, और आइदर कनाडा डेटा सेंटर, सो एज पर योर कंपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि यू नीड, कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ए एम आई, ए एम आई का मतलब है अमेजोन मशीन इमेज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि आइदर आप यहाँ पर अपना विंडोज की मशीन बनाना चाहते हो या आप अपनी लिनक्स की, आइदर यू क्रिएट अ लिनक्स लाइक अ रेड हैट लिनक्स, उबंटू लिनक्स, सेंटोस लिनक्स, और लाइक अ विंडोज सर्वर 2012, 16, 19। देन थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज यू नीड अ एक्सेस, एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसीज लाइक क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप्स का मतलब है गाइस कि मैंने इसमें भी आपको बताया था कि अगर आप कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हो तो आप उस पर किस टाइप्स का एक्सेस देना चाहते हो, लाइक कि आप चाहते हो कि आपका सर्वर पर्टिकुलर कैंडिडेट एक्सेस करे, या आपका सर्वर वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे एक्सेस हो, तो आप किस टाइप्स के सिक्योरिटी ग्रुप्स रूल बनाएंगे, या अगर आपने एक सर्वर भी बनाया है तो उस सर्वर से आप कौन सी सर्विस अलाउ करना चाहते हैं, लाइक अगर आप वेब सर्विस कर रहे हैं तो आप वेब सर्विस के लिए आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो HTTP और HTTPS से होती है, सो यू कैन अलाउ द HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। तो जो भी प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर्स हैं वो सारी की सारी चीजें आप कहाँ से अलाउ करोगे, सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू करोगे। आइदर अगर हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, इफ यू नीड, सो द की पेयर, और की पेयर के अंदर भी हमें बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ की पेयर इज अवेलेबल, द वन इज डॉट पैम एक्सटेंशन यूज फॉर विंडोज, तो एक हमारा विंडोज के लिए यूज होता है डॉट पैम एक्सटेंशन की पेयर, एंड वन मोर की पेयर इज अवेलेबल एंड अनदर की पेयर इज डॉट पीपीके, एक और हमारा की पेयर होता है गाइस डॉट पीपीके एक्सटेंशन की पेयर यूज फॉर लिनक्स। तो व्हेन यू क्रिएट अ लिनक्स सर्वर, तो अगर आप लिनक्स का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो गाइस आपको कौन से की पेयर की रिक्वायरमेंट होगी, डॉट पीपीके एक्सटेंशन की पेयर, गॉट इट एवरीवन। नाउ इफ यू आर यूजिंग अ सिक्योरिटी ग्रुप, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ग्रुप, सो आरडीपी प्रोटोकॉल्स, आरडीपी यूज फॉर विंडोज, जो आपका आरडीपी प्रोटोकॉल है ये आपका यूज होता है किसके लिए, विंडोज के लिए। तो एंड अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, सो लिनक्स के लिए आपको अलाउ कराना पड़ेगा SSH यूज फॉर लिनक्स। तो अगर आप
लिनक्स का सर्वर बना रहे हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ लिनक्स सर्वर, तो अगर आप लिनक्स का सर्वर बना रहे हैं गाइस, तो लिनक्स के सर्वर के लिए आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर SSH प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, और अगर आप विंडोज का सर्वर बना रहे हैं तो विंडोज के लिए आपको RDP प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, तभी आपका सर्वर एक्सेस होगा। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो आपका .pm एक्सटेंशन की पेयर यूज होगा, और अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको .pp के एक्सटेंशन की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम क्रिएट टू थिंग्स, आई एम क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप एंड नाउ सेकेंड आई एम क्रिएट अ की पेयर। अगर मैं कोई लिनक्स का सर्वर बनाना चाहता हूँ तो मैं पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा एंड नाउ आई एम क्रिएट अ की पेयर। सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप सिंपली, और लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ ब्राउजर एंड लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल। Everyone, is it clear? इतना सभी का क्लियर है? सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ। दीपक, जतिन, प्रकाश, अखिलेश, अभिनव, नाउ गाइस हाउ टू क्रिएट अ सिक्योर। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिप्लॉय माई सर्वर इन विच लोकेशन, तो दीज आर द लोकेशन, सो इनको हम बोलते हैं रीजन। नाउ आई एम अवेलेबल इन इंडिया, और मेरे इंडिया में सबसे नियरेस्ट जो डेटा सेंटर इज अवेलेबल इन अ मुंबई लोकेशन, सो नाउ आई एम सेलेक्ट अ लोकेशन ऑफ Mumbai. Either you are available in US, so you can select for any location. Either you go like a Singapore, Sydney, Tokyo. So like as the same as कि अगर आपको रेलवे टिकट या फ्लाइट पकड़नी है तो आप अपना nearest एयरपोर्ट या nearest रेलवे स्टेशन ही सिलेक्ट करोगे, ना कि आप हो देहरादून में और टिकट करा रहे हो दिल्ली से, तो इट्स अ राइट वे। वो भी सकता है यार, 91 का हम टैग लेके चलते हैं, +91। तो Now guys, secondly, I'm create a security group. So how to create a security group? I'm just click on a security group. और अगर guys कोई आपका existing security group है, तो आप उसको यहाँ पे से select करिए. And now delete. और action में आके आप अपना security group को delete कर सकते हो. But अपन कहीं मेरा security group, yeah, delete security group. Will not be delete because that's attached with some resources. So already some resources के साथ attached है. So resource group अगर आपका किसी भी resource के साथ attached होगा, either किसी server के साथ या किसी भी चीज के साथ आपका security group attached है, तो वो delete नहीं होगा. Got it? So now how to create security group? I'm just click on create security group. Give the name of linux-sg. So I'm create one security group with the name of linux-sg. You can give the any name. Now the description, you can put the any description, allow SSH, HTTP and HTTPS protocols. Now the default is a VPC, unselect the default VPC. In a default VPC is my networking, jo ki hum aage padhne wale guys. Now add the protocols, ki mere ko kaun se protocols. So I'm just asking ki when you create a Linux, अगर आप लिनक्स के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं तो आई एम जस्ट अलाउ द SSH प्रोटोकॉल। सेकंड, अगर आप वेब सर्वर, आप इस लिनक्स पर अपनी वेबसाइट भी डिप्लॉय करना चाहते हो, सो आपको पता है कि वेबसाइट इज एक्सेस थ्रू द HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल, तो नाउ आई एम अलाउड द HTTP प्रोटोकॉल एज वेल एज HTTPS। नाउ अगर आपको नहीं पता है प्रोटोकॉल्स, किस सर्विस के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउ करने, सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द ऑल ट्रैफिक। तो अगर आप ऑल ट्रैफिक करते हैं तो इट्स अलाउड द ऑल प्रोटोकॉल्स, बट गाइस डोंट यूज, आप रियल टाइम में मत करना, प्रैक्टिस के टाइम आप कर सकते हो, बट रियल टाइम में आप अपना सारा फुल एक्सेस किसी को भी अलाउ मत करना, अदरवाइज आपकी XYZ सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी। तो आपको स्पेसिफिक सर्विसेज, यानी कि हर किसी का एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि किसी हर काम को करने का एक रूल बनाया गया है, और उस रूल को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो अगर आपको मेल एक्सेस करनी है तो आप लाइक SMTP, POP3, IMAP, दीज आर द मेलिंग प्रोटोकॉल्स। वेबसाइट के लिए आपका हो गया लाइक HTTP, HTTPS। डेटा ट्रांसफर के लिए हो गया FTP प्रोटोकॉल्स। तो हर सर्विस के लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है,
और हर प्रोटोकॉल का अपना एक वर्क है। तो आपको साथ से साथ ये भी पढ़ना होगा कि किस प्रोटोकॉल का क्या वर्क है। तो टोटल 65,000 प्रोटोकॉल्स हैं। मैं नहीं चाहता कि सारे 65,535 प्रोटोकॉल्स करें, जस्ट 10 to 15 प्रोटोकॉल्स मेन है, आप उनको कर सकते हो। और लाइक अ कस्टम, सो कस्टम का मतलब है कि अगर आप किसी डेडिकेटेड को देना चाहते हो, ओनली सिंगल पर्सन, तो यू कैन पुट द आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, अदरवाइज आई एम जस्ट सिलेक्ट द एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है गाइस कि कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन से मेरी इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। एंड नाउ क्लिक क्रिएट। सो द देयर वाज एन एरर द क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम जस्ट क्लिक ऑन बैक एंड मे बी वेयर इज द एरर। आना तो नहीं चाहिए, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, देयर वाज एन एरर, अननोन एरर, व्हाट हैपन यार, आई एम जस्ट गो टू द बैक। नहीं नहीं ये तो डिफॉल्ट है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्क्रिप्शन गिव द एनीथिंग एल्स। तो प्लीज वेट व्हाइल द क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, व्हाट हैपेंड। मे बी गाइस सम एरर, सो डोंट वरी, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, बट ऑलरेडी मेरे यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, सो आई एम जस्ट, नहीं गाइस क्रिएट हो चुका है, देखिए ये क्रिएट हो चुका है, बट वहाँ पे वो एरर दे रहा है, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुका है। और इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप, इफ आई एम सिलेक्ट दिस सिक्योरिटी ग्रुप, सो एंड क्लिक, सो यू कैन सी कि ऑलरेडी इसने वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को अलाउ कर दिया यहाँ पे। गॉट इज गाइस, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है, बट वो वहाँ पे एक अननोन एरर दे रहा है। सो नाउ आई एम सेकंडली आई एम क्रिएट अ की पेयर, सो हाउ टू क्रिएट अ की पेयर, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ की पेयर एंड क्रिएट अ की पेयर एंड गिव द नेम लाइक LINUS लिनक्स हाइफन की एंड यू कैन सिलेक्ट द डॉट पीपीके एक्सटेंशन एंड नाउ क्लिक ऑन अ क्रिएट। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट अ की पेयर, इट डाउनलोड द वन फाइल और उस पर्टिकुलर फाइल से आपको आपकी मशीन के लॉगिन क्रेडेंशियल्स एक्सेस होंगे। सो द आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड, द की पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की, विद द हेल्प ऑफ की पेयर यू कैन एक्सेस द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। वन मोर थिंग गाइस, कि इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो कि विंडोज को एक्सेस करने के लिए वी हैव यूजिंग द RDP, जो कि हमारे रिमोट डेस्कटॉप हम यूज करते हैं, got it, but Linux को access करने के लिए we are using the PuTTY। So आपके laptops पे, आपके systems पे क्या होना चाहिए, PuTTY होना चाहिए। So Windows के लिए we are using remote desktop, जो already Microsoft का tool है, Microsoft के Windows में रहता ही है, but Linux को access करने के लिए you are using the PuTTY software। So now how to create a Linux server, I'm just go to instances and click on launch instance, the first option coming for the select the operating systems, main already aapko bata chuka hu AMI, these are the list of AMI, the AMI is in a template that contain the software configuration of operating systems, either you create a custom AMI or either you are using the default AMI, choice is your, custom AMI yani ki aap apne according koi operating systems mein settings rakhna chahte ho wo aap create deploy kar sakte ho either default, so I am using default। And this is a list of like if you create a community AMI, so you can see कि यहाँ पे सारे operating systems हैं, like आप Mac OS use करना चाहते हो, Windows use करना चाहते हो, Ubuntu, Red Hat Linux, तो आप कौन सा Linux use करना चाहते हैं, so I'm using Amazon Linux। And Amazon Linux के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इसकी जिस भी नीचे free tier नहीं लिखा होगा वो आपका paidable होगा, तो ये चीज ध्यान रखना कि फ्री टायर जो होगा वही आप यूज करना, अगर आप विदाउट फ्री टायर वाला कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो आपके उसके चार्जेस लगने ही हैं। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्विक सर्च और क्विक स्टार्ट, और यहाँ पे देखिए दिस इज द फ्री टायर एंड दिस इज द Amazon Linux 2 AMI एंड आई एम जस्ट
click on select. This is the instance size of the hardware T2 micro or free tier required. That means the one CPU or 1 GB RAM mere ko allocate hogi. Now click next. I'm select the zones in a Mumbai region. There are the three data centers are available. I'm deploy my server in data center A and enable the public IP addresses. Now next storage. तो हमारे पास 30 GB ही फ्री स्पेस है. तो अगर आप 30 GB के अलावा यूज करते हैं तो वो चार्जेबल होगा. तो आई एम गिव द स्पेस ऑफ 10 GB क्योंकि मैक्सिमम हमें 30 GB मिला हुआ है. सो 30 GB तक हमारे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. बट अगर हम उससे ज्यादा स्पेस यूज करते हैं तो हम लोगों को चार्जेस एप्लीकेबल होंगे. नाउ द क्लिक एंड गिव द नेम ऑफ लाइक LINUX लिनक्स वेब 1. आई एम पुट द लिनक्स वेब 1 एंड नाउ द Next is this is a security group. So I'm already created one security group. So either you create a new. अगर देखिए हम new करते हैं तो automatically SSH उसने allow कर दिया. But हमने automatically custom का मतलब है हमने अपने according एक security group बनाया था. So I'm select this security group or inside this security group these protocols are allowed. And now review and launch. Or after that you can see the option is available for the key pair. So now I'm select the key pair of Linux web. So Linux web ke naam se meri key pair hai. Now click and launch instance. So this is the first ki humne pehla server apna Linux ka yahan pe banaya guys. Is it clear everyone? Guys, is it clear guys? Please reply. Yes sir. Yeah. Now guys, the next point is I'm create one more server. I'm create one more server. So I'm just click on launch instance, flag the Linux, flag the hardware, flag the zone. Last time A mein banaya tha, so main data center B mein bana deta hu. Now enable the public IP. Now next, flag the space. Then next tag is name, like I'm just give the name of Linux web 2. I'm give the name of web 2. Now then click on next, select the security group and select the same existing security group, review and launch, and now give the username, the user key pair. The key pair is a Linux web. I just acknowledge and launch instance. So guys, I'm create a 2 Linux server. So this is the Linux web 1 and this is the Linux web 2. Now I'm just explain you some other things. These are the important part, guys. Login access. So guys, again, if I'm talking about the login access, when you use Amazon Linux, which one Linux? Amazon Linux. अगर गाइज आप Amazon Linux सेलेक्ट करते हो तो द डिफॉल्ट यूजर नेम इज EC2-user. तो आपको लिनक्स पे लॉग इन करने का जो यूजर नेम है उस यूजर नेम का नाम क्या है? EC2-user. Got it everyone? The default username is EC2-user. जिस तरीके से विंडोज में क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर था. यहाँ पर लिनक्स का क्या है? EC2-user. So this is for Amazon Linux. Guys, अगर आप यूज करते हो लाइक Red Hat Linux, when you use the Red Hat, अगर आप Red Hat कंपनी का लिनक्स यूज करते हैं तो उसका भी जो डिफॉल्ट नेम है वो क्या है? EC2-user ही है. और वेन यू यूज Ubuntu, अगर आप Ubuntu Linux यूज कर रहे हो तो Ubuntu का जो डिफॉल्ट नेम है गाइस वो Ubuntu ही है. डिफॉल्ट यूजर नेम इज Ubuntu. तो आपके डिफरेंट डिफरेंट Linux के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं. डिफॉल्ट यूजर नेम है जो कि आप गूगल से इजीली सर्च कर सकते हो. सेकंड, सो अब आता है कि मैं अपने Linux की मशीन को एक्सेस करता हूं. So now how to access? Just simply, I'm just copy the public IP of the virtual machines. I'm just go to the web server, select this web server, and then copy the public IP. Then open the PuTTY softwares.
and host name. You can see this is a host name. I'm paste the IP of this host name. After that, I'm just click on appearance and increase the font size. मैं font size increase कर सकता हूँ, जिससे कि आपको जो भी मैं command चलाऊँगा Linux पे वो clear हो जाए. So first हमने क्या करा, हमने host name के अंदर जाके IP allocate कर दिया. Then go to SSH. तो वहां पे हम क्या करते थे, ब्राउज करके अपनी की पेयर जनरेट करते थे ना, इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने की पेयर बनाया वो की पेयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन SSH और इनसाइड द SSH यू कैन सी द ऑप्शन इज अवेलेबल auth एंड ब्राउज करके यू कैन सिलेक्ट द की पेयर. सो आई एम जस्ट ब्राउज एंड देन गो टू द डाउनलोड सेक्शन एंड जब भी मैं की पेयर बनाऊंगा तो मेरी एक फाइल डाउनलोड होती है, यू नो एवरीवन. So I'm just click on downloads and select the Linux web. Or you can see that this is the extension of this key pair. And now open. And now open. It give you the message. You can always put the yes. Or yahan se pucha hai login as. Login as ka matlab hai what is your username? I'm using the Amazon Linux. So my put the EC2 hyphen user. And now enter. और गाइस ये मैं अपनी लिनक्स की मशीन पे लॉगिन हो गया. गॉट इट गाइस, हाउ टू एक्सेस लिनक्स वर्चुअल मशीन्स एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस, प्लीज रिप्लाई फास्ट. नाउ आई एम जस्ट स्टार्ट द सम अदर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लिनक्स. सो आई एम कम बैक टू हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजर इंटरफेस. अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द लिनक्स यूजर इंटरफेस या यूजर मोड, अगर या इंटरफेस भी बोल सकते हैं या आप इसको मोड भी बोल सकते हो. तो लिनक्स यूज टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस और मोड. तो गाइस वो कौन से मोड और इंटरफेसेस हैं, द फर्स्ट इज हैश. If hash sign is coming, that means root user. आप किस यूजर से लॉगिन हो, root user. Root user का मतलब है guys admin. You are a admin, यानी कि आपके पास admin rights है. You are a administrator. अगर कौन सा tag आता है hash. And now, if the tag is coming dollar. Tag is coming dollar. डॉलर रिप्रेजेंट करता है कि यू लॉग इन विद नॉर्मल यूजर. तो डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल यूजर को, यानी कि ये नॉर्मल यूजर ही है, लाइक एडमिन के थ्रू ही नॉर्मल यूजर बनता है. गॉट इट गाइस. तो एडमिन का मतलब है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय. सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट. देखिए मैं अभी यहाँ पे लिनक्स की मशीन पे आया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉलर साइन. That means so EC2 कौन सा यूजर है मेरा, नॉर्मल यूजर है. हाउ टू स्विच एडमिन, अब अगर आपको एडमिन यूजर पे जाना है, यानी कि अभी आप अवेलेबल हो EC2 hyphen like EC2 hyphen USR user at the rate 172.13.10.1 and this is your tilde sign. And then dollar. That means currently you are logged in with shit. Which one user? Normal user. So copy कर लेता था. Now I'm just at like EC2. अगर आपको switch करना है, like अगर आपको normal user से admin user पे जाना है, so आप क्या कौन सी command चलाएंगे? So simply EC2 hyphen USR user at the rate 172.13.10.0.1. That means this is your machine IP. यानी कि आपकी Linux की मशीन का IP guys. And at tilde sign and dollar. So guys, अगर आपको admin पे जाना है, so you can type the command sudo su hyphen super user do. After type this command, जैसे आप ये command type करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा root
सो यहां पर आपका आ जाएगा गाइस रूट एंड डॉलर की जगह आपका क्या कौन सा साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली हैश का साइन आ जाएगा. सो नाउ गाइस यू कैन सी इफ आई एम जस्ट गो टू हियर एंड आई एम टाइप द sudo sudo su hyphen एंड नाउ इंटर. सो यू कैन सी कि यहां पे आ गया रूट और हियर इट शो द हैश. दैट मींस कि अब मैं किस यूजर पे स्विच हो चुका. आई एम स्विच नॉर्मल यूजर टू एडमिन यूजर. गॉट इट एवरीवन? Guys, is it clear? Now another important part. In Windows, Windows आपकी बनती है drive, C drive, D drive, E drives. But in a Linux, Linux के अंदर आपकी बनती है directories. Linux के अंदर क्या बनती है? Directories. Directories का मतलब है guys folder. Windows के अंदर उसको बोला जाता है folder और Linux के अंदर उसी चीज को बोला जाता है directory. जिस तरीके से आपको घर में किसी और नाम से, कॉलेज किसी और नाम से और यार दोस्तों ने तो पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए होंगे. नाउ गाइस, सो लिनक्स पे एक कॉमन डायरेक्टरी होती है, यानी कि जिसका एक कॉमन होता है, जिसको गाइस हम बोलते हैं स्लैश, जिसको हम कॉल करते हैं स्लैश. गॉट इट? और इनसाइड द स्लैश आपकी मल्टीपल डायरेक्टरीज ऑलरेडी बनी हुई है. जिस तरीके से सी ड्राइव बनता है, सी ड्राइव के अंदर काफी सारे फोल्डर्स, प्रोग्राम फोल्डर्स, विंडोज फोल्डर्स ये बन जाते हैं, इसी तरीके से आपकी इन स्लैश के अंदर, स्लैश के अंदर भी आपकी मल्टीपल क्या बनती है? डायरेक्टरीज बनती है. लाइक दीज डायरेक्टरीज कॉल्ड I'm talking about like a home directory or either like a root directory. So root user के लिए root directory बनती है और home directory का मतलब है कि कोई भी normal user है उसका data कहाँ पर होगा? home directory के अंदर होगा. और अगर आप admin से हो तो admin का जो भी data होगा वो कहाँ पे होगा? root directory के अंदर होगा. यानी कि अगर आप admin पर काम कर रहे हो, आप वहाँ पे कोई भी folder बना रहे हो या either you create any file, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे सेव होगा? इस रूट डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा. और अगर आप किसी भी नॉर्मल यूजर से काम कर रहे हो तो नॉर्मल यूजर का जो भी डेटा है वो कहाँ पर आपका सेव होगा? होम डायरेक्टरी में. आइदर डिफरेंट डिफरेंट अदर डायरेक्टरी भी है, वो आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हो, बट दिस इज अ डिफॉल्ट लोकेशन. गॉट इट? लाइक कि अगर आप जैसे डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाएंगे तो सी ड्राइव के अंदर जाके क्रिएट होगा. आइदर वो भी है कि आप जाके पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर भी बना सकते हो, बट अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी डेटा रख रहे हो तो वो इज अ सी ड्राइव, वो आपकी सी ड्राइव के लोकेशन को यूज करेगा. नाउ द लाइक वार डायरेक्टरी इज अवेलेबल, डायरेक्ट ईटीसी डायरेक्टरी इज अवेलेबल, बिन डायरेक्टरी इज अवेलेबल एंड आपका लाइक अ टेम्प डायरेक्टरी इज अवेलेबल टेम्पररी. सो दीज आर द डिफॉल्ट डायरेक्टरीज इज अवेलेबल. सो नाउ कि अब हम चेक करते हैं कि होम डायरेक्टरी का एक और सिंबल है गाइस. होम डायरेक्टरी का एक और सिंबल होता है और वो होता है टिल साइन. तो टिल साइन का मतलब ही क्या है? होम डायरेक्टरी. यानी कि जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करोगे, व्हेन यू क्रिएट अ यूजर, जब भी आप कोई भी यूजर क्रिएट करेंगे, लाइक आई एम क्रिएट अ वन यूजर विद द नेम ऑफ अमित, तो हम क्या करेंगे? अमित के नाम से ऑटोमेटिकली जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर जाके एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी अमित के नाम से. और दिस इज अमित होम डायरेक्टरी. और ये किसकी होम डायरेक्टरी बन जाएगी? अमित की. अब अमित अगर कोई भी काम करता है तो उसका डेटा इस डायरेक्टरी के अंदर आके सेव होगा. सो नाउ हाउ टू क्रिएट यूजर. तो मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट यूजर. हाउ टू क्रिएट यूजर गाइस? सो सिंपल वे, आई एम जस्ट लॉगिन विद रूट यूजर. सो गाइस हैश का मतलब आई एम लॉगिन विद रूट यूजर. मैं हैश लगा रहा हूं, दैट मींस आई एम वर्किंग विद रूट यूजर. और अगर मैं कहीं पर डॉलर लगाता हूं, दैट मीन्स आई एम वर्किंग विद नॉर्मल यूजर. सो गाइस आई एम यूजिंग हैश. और हैश के बाद आई एम जस्ट पुट द कमांड user यूजर एड एंड गिव द नेम ऑफ अमित. मैंने एक यूजर बनाया तो यूजर क्रिएट करने की कमांड आपकी यूजर एड. देन अगेन हैश आ जाएगा एंड अब मैं सेट करना चाहता हूं पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड. सो यूजर का पासवर्ड सेट करने की कमांड है passwd एंड amit अमित. देन अगेन इंटर मारूंगा द ऑटोमेटिकली हैश इज कमिंग.
एंड सॉरी अमित, जैसे पास डब्ल्यू डी करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा पासवर्ड, नाउ पुट द पासवर्ड इज ASD@1234 एंड ASD@1234। तो दिस इज अ वे यू कैन क्रिएट अ यूजर। नेक्स्ट आता है हाउ टू लॉग इन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स हाउ टू क्रिएट यूजर। नॉर्मल यूजर। द सेकेंड वेट हाउ टू लॉग इन यूजर। लॉग इन विद नॉर्मल यूजर। सो गाइज, किसी भी यूजर से अगर आपको लॉग इन होना है तो नाउ सिंपली करंटली यू आर अवेलेबल एडमिन यूजर, सो यू कैन टाइप कमांड SU-Amit। गॉट इट द पॉइंट? अगर आपको कभी भी किसी भी यूजर से लॉग इन होना है लिनक्स पर, एडमिन से अगर आप नॉर्मल यूजर पे जाना चाहते हो तो यू कैन टाइप द कमांड SU-Amit यूजर नेम। एक चीज ध्यान रखना गाइज, इफ यू आर अवेलेबल इन रूट यूजर और आप रूट यूजर से नॉर्मल यूजर पे स्विच करते हो, इट्स डोंट आस्क पासवर्ड। वो आपसे कभी भी पासवर्ड नहीं पूछेगा। एडमिन से आप यूजर पे जा रहे हो तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप यूजर से एडमिन पे आते हो या नॉर्मल यूजर टू नॉर्मल यूजर जाते हो तो ऑलवेज पासवर्ड आपसे पूछे गए। लाइक आई एम क्रिएट वन मोर यूजर, सो आई एम क्रिएटिंग टू यूजर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आई एम अवेलेबल इन रूट एंड आई एम क्रिएट अ वन यूजर। आई एम जस्ट टाइप द कमांड USER यूजर एट एंड गिव द नेम ऑफ यूजर इज लाइक अमित and the set the password PASS WD and like ASD sorry PASS WD Amit and ASD@1234 and ASD@1234. Now guys, I'm create a one user Amit. I'm create one more user. So like I'm create a one more user with the name is username is like Raj and the PASS WD is like Raj and ASD@1234 and ASD@1234. Now guys, you can see the other one more command is ls command. ls command का मतलब है list. तो वो दिखा रहा है कि अभी हमने कोई भी चीज क्रिएट नहीं करी है, यानी कि वो दिखाएगा कि आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हो क्या आपने उसके अंदर कुछ बनाया है। तो मैं अभी किस यूजर से लॉग इन हूं, रूट पर हूं, अभी यूजर इज रूट। और यहाँ पे क्या से साइन आ रहा है, टिल साइन, यानी कि वो बता रहा है कि मैंने अभी तक रूट यूजर के अंदर कोई डेटा क्रिएट नहीं करा, यानी कि यू रूट डायरेक्टरी के अंदर कोई भी अमित नाम का वर्क काम ही नहीं करा है मैंने। बट अगर आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे जाता हूं, मैं जाता हूँ सीडी, सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और आपको पता है कि ये डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है। अब मैं क्या है, मैं रूट यूजर से हूं, सो अभी मैं जो भी काम कर रहा हूं ना इस लोकेशन पे काम कर रहा हूं, बट मैंने यहां से क्या बनाया था, इस रूट यूजर से मैंने बनाया यूजर। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी यूजर मेरा नॉर्मल बनता है तो उसका जो डेटाबेस है वो कहां पर क्रिएट होगा, होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होगा। वो डेटा कहां पे क्रिएट होगा, होम डायरेक्टरी के अंदर। और होम डायरेक्टरी कहां पर है, स्लैश के अंदर। सो नाउ सिंपली आई एम जस्ट गो टू, कहां गया भाई कर्सर, लिनक्स, और मैंने यहां पे लिखा सीडी स्लैश, और स्लैश के अंदर किस डायरेक्टरी पे जाना है मेरे को, होम डायरेक्टरी पे। तो अब देखिए ऊपर टिल साइन की जगह क्या लिखा आ गया, होम, और यूजर मेरा कौन सा है, रूट ही है। एंड नाउ इफ आई एम टाइप ls, तो ls के अंदर देखिए EC2 मेरा एक पहले से यूजर था डिफॉल्ट, और मैंने दो और यूजर बनाए हैं, आई एम क्रिएटिंग अमित यूजर एंड राज यूजर। अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं PWD, दैट मीन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो द PW मीन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप अभी किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो, यानी कि अगर आप कोई भी चीज बनाते हो या कोई भी डेटा या कुछ भी काम करते हो तो कहां पे जाके सेव होगा डिफॉल्ट।
सो यू कैन सी कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हो. सो यू कैन टैप द कमांड ऑफ पीडब्ल्यू दी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड देन क्लिक ऑन इंटर. सो बता रहा है कि आई एम वर्किंग इन रूट होम डायरेक्टरी, यानी कि रूट यूजर से लॉगिन हूं और स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूं. नाउ आई एम लॉग इन विद अमित यूजर. अब मैं यूजर से लॉग इन करता हूँ. सो नाउ कैन टैप द कमांड एस यू डी ओ सूडो और लाइक एस यू हाइफन ए एम आई टी अमित. तो क्या देखिए, इसने यहाँ पर मेरे से कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा. और अब मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ पी डब्ल्यू डी, तो मैं अब देखता हूँ कि अमित कहाँ पर काम कर रहा है. नाउ क्लिक इंटर. सो बता रहा है स्लैश होम के अंदर अमित नाम का एक और डायरेक्टरी है. और नाउ अगर मैं अब यहां से आके कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, लाइक आई एम क्रिएट वन फाइल. सो व्हेन यू क्रिएट अ फाइल, अगर आप लिनक्स पे फाइल क्रिएट करते हो तो यू आर यूजिंग द कमांड टी ओ यू सी एच टच एंड एफ आई एल ई फाइल वन. और अगर आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो, यानी कि फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, सो एम के डी आई आर एंड लाइक एफ ओ एल डी ई आर फोल्डर वन. और यू कैन सी अगर आप देखना चाहते हो कि क्या है, सो यू कैन टाइप द एल एस कमांड. तो देखिए फाइल वन और फोल्डर वन, ये दोनों चीज क्रिएट हो गई. लेकिन ये दोनों चीजें कहां पर क्रिएट हुई है, एक्चुअल लोकेशन क्या है? इसकी एक्चुअल लोकेशन है कि आपका ये जो अमित नाम की जो डायरेक्टरी है ना, इस डायरेक्टरी के अंदर जाके वो आपकी फाइल और फोल्डर क्रिएट हुआ है. गॉट इट द पॉइंट? यानी कि स्लैश स्लैश के अंदर ये ब्लू कलर की होम डायरेक्टरी और उसके अंदर एक अमित नाम की डायरेक्टरी है, और अमित डायरेक्टरी के अंदर जाके ये दो डायरेक्टरीज आपकी क्रिएट हुई है. वो सेम है कि लाइक फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, देन उसके अंदर सब फोल्डर्स. तो द सेम प्रोसेस है. विंडोज में हम क्या करते हैं, क्लिक करके जाते हैं, लेकिन यहां पर हम कमांड्स के थ्रू जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज इफ आई एम जस्ट लॉगिन. की देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एस यू हाइफन अमित करा तो इसने कोई भी पासवर्ड आपसे नहीं पूछा. और लाइक कि अगर मैं अब यहाँ पे सिंपल सा करता हूँ, लाइक एस यू हाइफन राज, यानी अब मैं एडमिन यूजर पर हूँ या नॉर्मल यूजर पर हूँ, आई एम अवेलेबल नॉर्मल. देखिए जैसे ही मैंने अमित यूजर पे आया तो यहाँ पे नेम आ गया अमित, और ऑटोमेटिकली हैश की जगह क्या चेंज हो गया, डॉलर चेंज हो गया था. और अब मैं अगर एस यू हाइफन राज करके इंटर करूंगा तो गिव मी द पासवर्ड, ये मेरे से क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछ रहा है. मैंने आपको बताया था कि अगर आप रूट यूजर से एडमिन यूजर पे आते हैं तो आपसे कभी भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर से एडमिन पे जाएंगे तो पासवर्ड पूछेगा. क्या तो पासवर्ड पूछ रहा है ना? अब मैं राष्ट्र नॉर्मल टू नॉर्मल जा रहा हूं ना, पूछेगा ना, नॉर्मल टू नॉर्मल तो पूछेगा. आपके यूजर से अगर कोई दूसरा यूजर लॉग इन करेगा तो पूछेगा ना. अगर आप एडमिन हो तो एडमिन से आप नॉर्मल, एडमिन तो कहीं भी जा सकता है ना. बिल्कुल, नॉर्मल से अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा. अगर आप नॉर्मल यूजर से किसी भी अदर अकाउंट पे जाएंगे तो पूछेगा. यार कंपनी के डायरेक्टर से कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, एडमिन से एडमिन क्या पूछेगा, एडमिन तो खुद है. गाइस क्या कंपनी के मालिक से कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो? पूछ सकता है यार, उसके घर में भी मालिक होता है, होम मिनिस्ट्री. सो नाउ गाइस आई एम जस्ट पुट द एग्जिट. गाइस देखिए, कभी कभार अगर ऐसा होता है दैट मींस कि आपका प्रोसेस चला होता है. और नाउ आई एम पुट द एग्जिट. एग्जिट कमांड होती है वन स्टेप बैक. तो मैं एडमिन से अमित पे आया था, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कमांड चलता हूँ तो मैं दोबारा से लॉग आउट हो गया और मैं कहाँ पे पहुंच गया, रूट यूजर पे. गॉट इट द वे गाइस, हाउ टू क्रिएट यूजर एंड हाउ टू स्विच यूजर. एवरीवन इज इट क्लियर? अभिनव, अखिलेश, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के ऊपर से बाउंस होके जा रहा होगा. एवरीवन डोंट वरी यार, पढ़ना तो पड़ेगा इसमें. अखिलेश चलिए. नाउ गाइस आई एम जस्ट मूव टू नेक्स्ट. तो देखिए आई एम अगेन कम टू रूट, और अब मैं जाके देखता हूँ सीडी. सीडी के अंदर स्लैश होम डायरेक्टरी है मेरी. होम के अंदर मैंने अमित डायरेक्टरी बनाई थी, यस और नो? इंटर. मैं कहां पर हूँ, रूट पर हूँ, क्योंकि एडमिन तो कुछ भी देख सकता है ना यार, कुछ कोई भी डायरेक्टरी ओपन कर सकता है. तो मैं अमित का काम देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अमित की डायरेक्टरी मैंने एक्सेस करी और वहां पे टाइप काम करा एल एस एंड स्मॉल कैरेक्टर. तो मैंने देखा ओके, अमित ने एक फाइल बनाई थी अपने यूजर से लॉग इन होके और एक फोल्डर बनाया था लिस्ट.
so you can see anything else. Like this is the first way. Now the second way is, guys, this is your Linux machine. And this is your one storage, or like one server भी आप बोल सकते हो, storage भी call कर सकते हो, repository भी इसको आप call कर सकते हो, and this repository called name is yum, जिसको हम बोलते हैं yum server, जिसको क्या बोला जाता है, yum repository भी बोला जाता है, yum हेलो Guys, I am audible. Yes, sir. Okay. So now I'm just continue. So guys, same. I'm explain you one thing. Ki like this is your Linux machine, and this is your storage account, or either RAM YUM repo. This is your YUM repository.
यम रेपो का मतलब है कि अगर आपको लिनक्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लिनक्स पर अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आइदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, तो वो जो सारे पैकेज और सारे सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? यम रेपोजिटरी में होते हैं। लाइक कि जैसे हम विंडोज सर्वर बना रहे थे तो हम IIS सर्विस इंस्टॉल करते थे, सेम एज की विंडोज पे बोला जाता है वेब सर्वर की सर्विस को IIS, और लिनक्स में उसी सर्विस को बोला जाता है HTTPD या अपाची। नाम सुना होगा अपाची सर्वर बना ले या HTTPD। तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट है कि अब मेरे को लिनक्स पे वेब सर्वर, लाइक मैं अपने लिनक्स को वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता, गॉट इट? तो मैं विंडोज पे हम क्या करते थे, एड ऑल एंड फीचर्स में जाके वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करते थे। इन लिनक्स हम क्या इंस्टॉल करेंगे, HTTPD सर्विस इंस्टॉल करेंगे। और अगर आप Ubuntu पे काम करते हैं तो Ubuntu में उसी सर्विस का नाम है अपाची, और Red Hat या Amazon Linux पे उसी सर्विस का नाम है HTTPD, और विंडोज पे उसी सर्विस का नाम है IIS। तो नाउ कि मैं अब इस पर वेबसाइट, अपनी कोई पर्टिकुलर लिनक्स पे वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं, तो वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले आई एम जस्ट लॉग इन विद लिनक्स, सो आई एम जस्ट क्लिक एंड अगेन आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक IP ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, देन गो टू पुटी। अगेन मैं गाइस दोबारा से आपको एक्सेस करके दिखा रहा हूं, नाउ कंट्रोल वी देन गो टू अपेयरेंस में आके गाइस मैं सिर्फ फॉन्ट साइज और कंटेंट इंक्रीज कर रहा हूं जिससे आप को कमांड्स प्रॉपर दिखे, एंड नाउ आई एम जस्ट गो टू द SSH, देन क्लिक ऑथ एंड सिलेक्ट द कीपियर, and what is the keeper of like a Linux web is my keeper, and then open and then click on EC2 hyphen user, and now sudo sudo space su space hyphen। तो गाइस देखिए अगर मैं अपना नॉर्मल यूजर, लाइक EC2 इज माय नॉर्मल यूजर जो मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मैं यहां से सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करता हूं, पैकेज इंस्टॉल करता हूं, तो लाइक yum install इंस्टॉल HTTPD और hyphen y की आपसे आगे पूछेगा कंफर्मेशन यस या नो, आप इंस्टॉल करना चाहते हो नहीं, तो मैं पहले hyphen y लगा देता हूं कि हाँ मैं इंस्टॉल करना चाहता हूं, और नाउ मैं इंटर करता हूं, इट्स गिव यू द एरर बिकॉज यू हैव नो राइट, आप रूट नहीं हो, आप नॉर्मल यूजर हो, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सको। तो नाउ अगर मैं ये सही कमांड रूट पे जाके चलाता हूं तो यहां पर कोई भी एरर आपको नहीं देगा। सो नाउ हाउ टू लॉग इन विद रूट यूजर, sudo sudo space su space hyphen yum install install httpd space hyphen y and now enter, और यू कैन सी कि आपका ये सॉफ्टवेयर यहां पर इंस्टॉल्ड हो गया। अब यू नो इफ यू रिमेंबर कि आई एम जस्ट कॉन्फिगर द वेब सर्वर इन अ विंडोज, After install the IIS, I'm just go to the C drive, or inside the C drive in www.inetpub, or inside the inetpub www.root, or www.root folders के अंदर मेरा वेबसाइट हम अपलोड करते थे। Yes or no, everyone? Guys, please reply. The same Sir. concept है यहाँ पर कि यहाँ पर भी इसी तरीके से आपकी वेबसाइट अपलोड होगी। Like यहाँ पर क्या है? Linux में वेबसाइट की लोकेशन क्या है? लिनक्स के अंदर है, सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी /var, वहां पे था सी ड्राइव, तो स्लैश को आप मान लीजिए सी ड्राइव, वार को मान लीजिए inetpub, उसके बाद www एंड एच सॉरी वार वार के बाद आपका www एंड देन /html, दिस इज अ लोकेशन। तो आपकी जो वेबसाइट की लोकेशन है वो कौन सी है, /var/www/html। गाइस www.html ये डायरेक्टरीज आपको तभी एक्सेस हो पाएंगे जब आपकी HTTPD सर्विस इंस्टॉल्ड होगी, अदरवाइज नहीं आएगा। लाइक कि अगर आपका IIS इंस्टॉल है तभी आपको inetpub की डायरेक्टरी मिलेगी सी ड्राइव में, अदरवाइज आपको वो inetpub वाली डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। द सेम कॉन्सेप्ट कि HTML www डायरेक्टरी कब मिलेंगी, आफ्टर इंस्टॉल द HTTPD सर्विस और अपाची सर्विस, बिफोर इंस्टॉलिंग ये डायरेक्टरीज आपको अवेलेबल नहीं होंगी। वार डायरेक्टरीज अवेलेबल बिकॉज दिस इज अ डिफॉल्ट,
तो आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसकी जो लोकेशंस हैं वो वार डायरेक्टरी के अंदर जाती हैं। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक इंटर और उसके बाद आई एम क्रिएट अ वन फाइल, मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो अब आपको बताइए कि मैं एक index.html फाइल बनानी है, तो मैं अगर कोई भी फाइल बनाता हूँ तो उस फाइल को बनाने के लिए यूज करते हैं टच कमांड। तो टच कमांड से आपकी बनती है ब्लैंक फाइल। तो टच और टच के नाम से मैंने बनाया INDEX index.html। आई एम क्रिएट अ वन फाइल और अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ। कंटेंट मीन्स कि मैं इस फाइल को एडिट करना चाहता हूँ। तो एडिट करने के लिए आपका कमांड होती है vim, vim, और vim के बाद आई एम जस्ट टाइप द फाइल नेम, किस फाइल के अंदर आप कंटेंट अपना लिखना चाहते हो। सो आई एम टाइप द vim और index.html एंड नाउ इंटर। गाइस देखिए दिस इज द ऑप्शन, यू कैन सी कि एंड में आपका index.html आ रहा है। गाइस जब यहाँ पर इंसर्ट लिखा आएगा तभी आप कंटेंट लिख सकते हो, अदरवाइज आप कंटेंट लीने इसकी फाइल के अंदर टाइप नहीं कर सकते। और इंसर्ट मेनू में जाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा आई। सो गाइस आई एम प्रेस आई और आफ्टर इंसर्ट देखिए कि अब एंड ऑफ द फाइल यहाँ पर आपको इंसर्ट दिखने लगे, दैट मीन यू कैन राइट द एनी कंटेंट। और आई एम लिख लाइक welcome वेलकम टू माई INDIA इंडिया वेब सर्वर। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, इस फाइल को अगर सेव करना है तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू से एग्जिट होना पड़ेगा एंड देन फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो एग्जिट यानी कि अगर आपको इंसर्ट मेनू से बाहर आना है तो यू कैन जस्ट प्रेस एस्केप देन कॉलन एंड देन W फॉर राइट एंड Q फॉर क्विट एंड स्मॉल कैरेक्टर कॉलन WQ। अगर आपको किसी भी फाइल से एग्जिट होना है तो कॉलन WQ एंड देन इंटर। अब अगर आप किसी फाइल को देखना चाहते हो कि आपने अगर आप चाहते हो कि मैं फाइल का कंटेंट देखना चाहता हूँ, एडिटिंग मोड में नहीं जाना चाहता, तो यू कैन जस्ट टाइप कि मैं देखना चाहता हूँ कि index.html फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, क्या चीज लिखी हुई है। तो मैं एडिटिंग नहीं करना चाहता, आई एम जस्ट सी द कंटेंट। सो लाइक जस्ट कमांड द कैट एंड गिव द फाइल नेम। तो ये देखिए कि मैंने इस फाइल के अंदर क्या लिखा, वेलकम टू माई इंडिया वेब सर्वर। तो वेब ना होके वेड हो गया, वेड सर्वर हो गया गाइस। एंड नाउ गाइस वन मोर थिंग कि अगर आप लिनक्स पे कोई भी चीज की एडिटिंग करते हो तो आपको उसकी सर्विस को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। सो आई एम एडिट द वेब सर्वर सर्विसेज। तो मैंने वेब सर्वर की सर्विसेज को चेंज करा है, यानी कि वहां पे एक फाइल बनाई है। सो आई एम रीस्टार्ट द वेब सर्वर सर्विसेज। सो द SYS सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD। एंड नाउ गाइस मैंने यहाँ पे सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD सर्विस करा। नाउ यू कैन सी कि आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक IP एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर, यू कैन सी द माय वेबसाइट इज ओपन, वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर। अब लाइक मैं इस फाइल को एडिट करना चाहता हूँ, सो आई एम जस्ट अगेन गो टू एंड एडिटिंग के लिए मैंने आपको बताया था vim index.html। Now I'm just like a name i4 insert और मैं लिख देता हूँ this is a name of ICCP info tech web server। तो मेरे को एडिट स्केप कॉलन WQ। एंड नाउ गाइज अब मैं देखिए अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अगेन आई एम जस्ट रिफ्रेश दिस कंटेंट, सो द वेलकम टू माई इंडिया ICCP InfoTech। So this is your live update. Same कि जैसे आपने Linux यानी कि Windows पे दो servers बना के load balancer के साथ attach करे थे, अब मैंने आपको बता दिया है कि Linux पर web server आप कैसे बनाएंगे। So you create a two web single instance web server or multi instance web servers and same server you can attach with load balancer or either auto scaling. Got it everyone? How to create Linux instance, how to edit Linux instance, how to create user, how to create directory, how to create file, how to edit file, how to restart the service. Everyone, is it clear? Yes, sir. Thank you, guys. And I think so enough for